देखिए अक्षय भाई, हमारी बात तो आप ही ने कह दी, अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 2017 में चुनाव उत्तर प्रदेश के होने वाले हैं और उसी को नजर में रख के ये नाटक किया गया है। और ये नाटक और ये ड्रामा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी अपने जमाने में, अपने कॉलेज के टाइम में भी अभिनय वगैरह काफी किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उन्हें अच्छी तरह से मालूम है, अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण बिठाने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी लाइन उत्तर प्रदेश में खींचनी है। लेकिन 73 सांसदों में से 15 सांसदों को भेजा है और 2 साल में जो इससे पहले 1 दर्जन सांसद थे उन्होंने कोई ऐसा खास काम नहीं किया। और उसके बाद आप ये बताइए अक्षय भाई कि अब चुनाव आ रहे हैं, यहाँ की जनता की, हम तो ये कहेंगे जनता के साथ फरेब तो किया ही किया, धोखा किया ही किया, उनकी पीठ में खंजर तो भोंका ही भोंका, इसलिए क्योंकि जनता ने किस उम्मीद से इनको भेजा था, सरकार बनाई थी, बड़ी उम्मीद थी क्योंकि इन्होंने जो ख्वाब दिखाए थे कि अच्छे दिन लेके आएंगे और 125 करोड़ लोगों का साथ और सबका साथ सबका विकास, ये सारी चीजें खंजर और चाकू और इस तरह की बात पूरे राज्य में यही चल रहा है, ये बात तो उचित नहीं है। राजनीतिक आलोचना करें, बात समझ में आती है। खंजर चाकू तो जनता की पीठ में ठोक ही रहे हैं लोग। मजाक किया गया है, वो मजाक इसलिए है कि जब 17 आ रहे हैं तो ये दिखाने के लिए कि उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश, आपने उत्तर प्रदेश के जिन सांसदों को जिताया उनके लिए हम बहुत सोच रहे हैं और हम उनको भी वहां भेज रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये सिर्फ एक ड्रामा है, ये सिर्फ एक नाटक है और नाटक करने में भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई